गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम लोग अपने इस चैप्टर का थर्ड पार्ट लेकर आए हुए हैं और ये आपका जो चैप्टर चल रहा है करंट एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो एसिड से रिलेटेड हैं। सबसे पहले आप लोगों ने कल एसिड और बेस की प्रॉपर्टी को जाना कि उनको हम कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सा जो मेटल है वो एसिड की कैटेगरी से बिलोंग करेगा, कौन सा बेस की कैटेगरी से मिला करेगा। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पर एसिड और एसिड की बात करेंगे कि कौन से एसिड स्ट्रांग है और कौन से एसिड वीक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एसिड को जानते हैं कि एसिड क्या है, सोर है। ठीक है, और उनका जो नेचर है वो क्रोसिव है। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्ट्रांग एसिड और वीक एसिड की बात करेंगे कि कौन से एसिड मजबूत होते हैं और कौन से एसिड कमजोर होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड में हम देखेंगे HCl। HCl से आप पहले ही परिचित हैं क्योंकि वो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में अपनी भूमिका निभाता है और वहाँ पर वो जर्म्स को किल करने का वर्क करता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर H2SO4 को मैंने लिखा है, ये भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, और वीक एसिड, अब वीक एसिड को देखते हैं कि कुछ एसिड मजबूत होते हैं, कुछ एसिड कमजोर होते हैं। वो कैसे होते हैं, जो उनमें आयन्स प्रेजेंट होते हैं उनके बिहाव पर उसको हम मजबूत या स्लो कह सकते हैं। ठीक है, तो जो मजबूत एसिड हैं उनके पास H+ आयन ज़्यादा है और जिसके पास नहीं है तो वो वीक एसिड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वीक एसिड है उनमें आपका एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड ये है। ठीक है, एसिटिक एसिड आपको पहले ही पता है कि ये सिलिका में पाया जाता है और इसका जो फार्मूला होता है CH3COOH होता है। और जो लैक्टिक एसिड है ये आपका मिल्क में पाया जाता है और इसका जो फार्मूला होता है C3H6O3 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने HCl लिखा हुआ है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और जो H2SO4 लिखा हुआ है ये सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह हम लोगों ने एसिड में ये जाना कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, वीक एसिड कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो HCl है इसका एक यहाँ पर ये लिखा गया है रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में जब HCl को HCl ब्रेक होता है तो किस में टूटता है, H+ आयन में और Cl- में। ठीक है, तो यहाँ पर ये बातें हमें जाननी है। ठीक है, अब हमने स्ट्रॉन्ग एसिड को जाना, वीक एसिड को जाना, अब हमें जानना है जो ऑर्गेनिक एसिड है और जो इनऑर्गेनिक एसिड है। इसको हम लोगों ने पहले ही समझा था कि जो ऑर्गेनिक एसिड है वो नेचुरली हमें प्राप्त होते हैं और जो इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं इनको हम ये मिनरल्स के थ्रू प्रिपेयर किए जाते हैं और इनको हम केमिस्ट्री लैब में या इंडस्ट्रीज में इनको हम यूज़ करते हैं या वहाँ पे प्रिपेयर करते हैं। तो ऑर्गेनिक एसिड में जो जितने भी फल होते हैं, फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, उनमें आपके ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड आपके एनिमल में और प्लांट में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिट्रिक एसिड जो कि आपका किसमें पाया जाता है ये आप मुझे बताएंगे। फॉर्मिक एसिड बच्चों बता दे रहा हूँ, फॉर्मिक एसिड जो चींटी होती है, चींटी में पाया जाता है। चींटी जो लाल वाली होती है जब वो आपको काट लेती है तो क्या होता है, आपका वहाँ पे फूल जाता है जिस जगह वो काट लेती है ना, तो इसलिए उसमें जो है फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। और एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड को आप पहले ही जानते हैं ये क्या है, ये वीक एसिड है। ठीक है, और फिर हमारे पास है इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड में आपका क्या है, मिनरल्स आते हैं उसमें। ठीक है, जैसे नाइट्रिक एसिड हो गया या HCl हो गया, इन सबको हम वहाँ पे प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, और हमारे इस चैप्टर में बताया गया कि जो एसिड्स होते हैं जो डिजॉल्व होते हैं वाटर में, उसके बाद डिजॉल्व होने के बाद वो क्या करते हैं, डिजॉल्व होने के बाद वो वाटर में आपके इलेक्ट्रोलाइट कितना वर्क करते हैं, कैसे, जब जो एसिड हैं जब वो डिजॉल्व होते हैं वाटर में जो उनके आयन्स हैं वो वहाँ पे अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। ठीक है, और जो कैटायन और आयन्स, कैटायन आपके पॉजिटिव चार्ज और आयन्स आपके नेगेटिव चार्ज होते हैं, जिसको हम लोगों ने पहले ही समझा। तो यहाँ पे बच्चों ये एसिड के बारे में थोड़ा सा आपको इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन दी गई है और आगे हम लोग बढ़ेंगे तो हमारे पास एक
इन साइड में देखिए एक इंसेक्ट्स बना हुआ है, जैसा मैंने बताया कि फॉर्मिक एसिड इंसेक्ट्स रिलीज करते हैं, ठीक है, तो इसको भी हमें जानना है। उसके बाद इन साइड में हमारे पास लिखा हुआ है कि जो कार्बोनिक है एसिड्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, टैंकी टेस्ट ऑफ द कोका कोला। जो कोका कोला आप पीते हैं उसका टेस्ट कैसा होता है, उसका टेस्ट बहुत ही तीखा होता है ना, तो किसके कारण रहता है, इसके कारण रहता है। और इसमें क्या मिलाया जाता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया जाता है, ठीक है, वाटर के फॉर्म में, जो आपके वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। और बच्चों यहाँ पर जो एसिड है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, उनको हमें अपने हाथों से नहीं छूना होता है, क्योंकि वो हमारे हाथों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन जो वीक एसिड होते हैं, क्योंकि आप बहुत से फूड सप्लीमेंट्स हैं, आइटम्स हैं जिनको आप अपने घरों में यूज़ करते हैं, उनको आप हाथों से छूते हैं, वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। जैसे जो स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl है, जो आपके पेट में रिलीज होता है, वो कभी कभी क्या होता है, आपको उल्टी आ जाती है, तो उल्टी आने के बाद क्या होता है, आपका पूरा मुंह का टेस्ट खराब हो जाता है, तो वो हमारे पेट का जो HCl है वो बाहर निकल आता है, ठीक है। तो वही है यहाँ पर, ये हमें समझना है। और जो H2SO4 है, जो हमारे पास कार की बैटरी होती है उसमें H2SO4 डाला जाता है, ठीक है। और प्यारे बच्चों, यहाँ पर योर विजडम में आपको दो तीन पॉइंट बताए गए हैं कि जो हमारा HCl है वो कहाँ वर्क करता है। आपको पहले ही सेकेंड चैप्टर में आपने देखा था कि जो आपके स्टमक में पाया जाता है कौन, HCl, जो वर्क करता है जर्म्स को किल करने के लिए। लेकिन HCl से हमारी जो स्टमक की लेयर है उनको कौन प्रिवेंट करता है, उनको आपका म्यूकस प्रिवेंट करता है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, भूलना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ये आपके लिए बहुत यूजफुल है। तो प्यारे बच्चों, अब आगे हम लोग देखेंगे, तो यहाँ स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड को हमने समझ लिया है, और ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एसिड को भी समझ लिया है। जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो उनमें कार्बन प्रेजेंट होता है, और जो इनऑर्गेनिक एसिड है उनमें वो मिनरल्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इस बात को भी हमें ध्यान रखना है। और आगे बच्चों जब हम पढ़ते हैं, तो जैसा कि आपने जाना, ऑर्गेनिक एसिड जो है लिविंग थिंग्स में पाए जाते हैं, यानी जो आपके प्लांट्स हैं और आपके एनिमल्स हैं उनमें पाए जाते हैं। और इनऑर्गेनिक यानी अकार्बनिक, ये आपके जो है इनको हम प्रिपेयर करते हैं कहाँ पर, फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में, या आप अपने स्कूल की केमिस्ट्री लैब में इनको देख सकते हैं, ठीक है। तो इन बातों को हमें ध्यान रखना है। फिर आगे हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो टेबल नंबर 3 आएगी, जिसमें आपको ये बताया गया है कि सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड एसिड, कुछ ऐसे कॉमन एसिड हैं जिनको हम यूज करते हैं। जैसे सबसे पहले बताया गया है सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है H2SO4। ये आप कहाँ देखते हैं, कार की बैटरीज में देखते हैं, या जो आपके घरों में बैटरीज इस्तेमाल होती है उसमें पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl भी आप कहाँ देखते हैं, आप ये तो आपके बॉडी में ही पाया जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह भी हमारे लिए अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद नाइट्रिक एसिड है, जिसका फॉर्मूला होता है HNO3। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये कॉमन एसिड्स हैं जिनको आपको रेगुलर आपके लाइफ से रिलेट करते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसे एसिड्स के नाम बताए गए हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ देखिए एक साइड में लिखा भी हुआ है, कार बैटरीज कंटेन सल्फ्यूरिक एसिड ए स्ट्रॉन्ग एसिड स्टोर्ड इन एसिड। तो यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि जो हमारी कार होती है, कार की जो बैटरी होती है, उसमें आपका कौन सा एसिड होता है, उसमें H2SO4 उसमें डाला जाता है, ठीक है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। और आगे आप देखेंगे तो यहाँ पर अब हमारे पास एक्टिविटी फर्स्ट आएगी, और इस एक्टिविटी में आपको डिमॉन्स्ट्रेट करना है क्या आपका टारगेट होगा, टू नो हाउ टू डायलूट कंसनट्रेटेड एसिड, कि आप जो एसिड है उसको आप कंसनट्रेट कैसे करेंगे, उसको यहाँ पे बताया जाएगा, ठीक है। तो इस एक्टिविटी को हो सकेगा तो मैं केमिस्ट्री लैब में जाकर करूँगा, और उसका वीडियो प्रिपेयर करके आपको यहाँ पर फॉरवर्ड कर दूँगा, ठीक है बच्चों। तो अभी इस वीडियो को हम लोग इतना ही रखते हैं, इस वीडियो में इतनी ही बात। सबसे पहले हम लोग एक बार फिर से एसिड को देख लेते हैं, एसिड कैसा होता है, एसिड का सोर्स होता है, और
इसका नेचर कैसा होता है, क्रोसिव होता है यानी संक्षारक होता है। और एसिड कैसे होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड में आपका HCl, H2SO4 ये सब आते हैं, ठीक है। वीक एसिड में जो आपके एनिमल और प्लांट से रिलेटेड एसिड हैं, जो हमें लिविंग थिंग्स से पाए जाते हैं, वो इसमें आते हैं, जैसे एस्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। एस्टिक एसिड आपका सिरका में पाया जाता है यानी शुगर केन, और लैक्टिक एसिड आपका दूध में पाया जाता है, मिल्क में, ठीक है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक भी आपको पता है कि ऑर्गेनिक क्या है, जिनमें कार्बन प्रेजेंट है वो आपके ऑर्गेनिक एसिड है, जिसमें आपका सिट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड है। इनऑर्गेनिक एसिड ऐसे एसिड जो मिनरल्स इनमें प्रेजेंट होते हैं, जैसे HCl हो गया, यहाँ पर H है और Cl है, ठीक है। यहाँ पर दो मिनरल्स बना हुआ है, ठीक है। और इनको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, क्या आप अपने देख सकते हैं, जो इंडस्ट्रीज होती हैं वहाँ पर इनको प्रिपेयर किया जाता है, या आप अपने केमिस्ट्री लैब में इनको देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में इतनी ही बातें हम लोग शेयर करेंगे, और आगे नेक्स्ट बातें हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। प्यारे बच्चों, एक और बात, आप सभी जो है हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, जिससे मुझे वीडियो बनाने के बाद ये लगे कि आप सभी देख रहे हैं। हमारे क्लास की जो स्ट्रेंथ है वो 37 है। अगर 37 वीडियो आप लोग देख ले रहे हैं एक बार में, तो हम कह सकते हैं कि हर एक बच्चे ने वीडियो को देखा है। तो प्यारे बच्चों, और एक और बात बच्चों, अगर आपको कहीं लगता है कि सर थोड़ा सा कहीं कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, तो आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, जिससे अगर वीडियो में कहीं कोई त्रुटि आ रही हो तो मैं उसको सुधार कर सकूं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस एंड कलरफुल डे।